क्या आपने कभी सोचा है जो आप सवेरे सवेरे दांतों पर पेस्ट रगड़ते हैं ये किस चीज़ से बना है? कभी सोचा इस बारे में? चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। किसी भी टूथपेस्ट के नाम से लगता है कि इसके इस्तेमाल से हमारे दांतों की स्मेल हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और दांत एकदम मजबूत हो जाएंगे, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चाहे कोई भी टूथपेस्ट इस्तेमाल किया जाए, बात वहीं की वहीं रहती है। बहुत से ऐसे टूथपेस्ट है जो सालों साल से बिक रहे हैं, जिन्हें कई नामी कंपनियां बेच रही हैं और आम आदमी इसे आँख बंद करके खरीद लेता है। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे की पूरी सच्चाई। इसके बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में आपका टूथपेस्ट स्वच्छ है, कहीं उसमें हड्डियों की मिलावट तो नहीं। टूथपेस्ट कैसे बनता है, क्या ये आपको मालूम है? ये किसी को नहीं पता, क्योंकि टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी कभी बताती ही नहीं है कि उसने इस पेस्ट को बनाया कैसे। सबसे पहली और अहम बात यह है कि टूथपेस्ट किसी खाद्य पदार्थ से नहीं बल्कि जानवरों की हड्डियों के चूरे से बनता है। इसमें मरे हुए सूअर और भेड़ बकरियों की हड्डियों के चूरे से यह बनाया जाता है। जानवरों की हड्डियों के चूरे के साथ साथ इसमें एक खतरनाक चीज़ भी मिलाई जाती है, वो है फ्लोराइड। फ्लोराइड नाम उस जहर का है जो शरीर में फ्लोरोसिस नाम की बीमारी करता है, और भारत के पानी में पहले से ही ज़्यादा फ्लोराइड है। ज़्यादा फ्लोराइड लेने से फ्लोरोसिस बीमारी हो जाती है। तीसरी एक और ख़तरनाक चीज़ होती है उसमें, वो है सोडियम लोरेल सल्फेट। क्या आपने कभी सोचा है जो आप पेस्ट करते हैं इसमें सबसे ज़्यादा झाग क्यों बनते हैं? रसायन शास्त्र में एक केमिकल होता है सोडियम लोरेल सल्फेट, और रसायन शास्त्र में सोडियम लोरेल सल्फेट के आगे लिखा होता है जहर। अगर यह शरीर में 0.5 mg चला जाए तो कैंसर कर देता है, और यह केमिकल आपके टूथपेस्ट में मिलाया जाता है, क्योंकि सोडियम लोरेल सल्फेट डाले बिना किसी टूथपेस्ट में झाग नहीं बनता। टूथपेस्ट और शेविंग क्रीम में दोनों में यह सोडियम लोरेल सल्फेट मिलाया जाता है, बस थोड़ा सा प्रोसेस में अंतर होता है। ये झाग इसी केमिकल से बनता है जिसे तकनीकी भाषा में सिंथेटिक डिटर्जेंट कहा जाता है, वही इन पेस्टों में मिलाया जाता है। यह सिंथेटिक डिटर्जेंट केक में, शैम्पू में और दाढ़ी बनाने वाली शेविंग क्रीम में भी मिलाया जाता है। दुनिया का सबसे रद्दी और घटिया पेस्ट हम घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि घर में आप पेस्ट नेचुरल तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, तो दोस्तों आपको घर पे जो मंजन बनाना है वो किस तरीके से बनाना है वो देख लीजिए। तो आपको हल्दी लेनी होगी आधा चम्मच, और उससे आधा आपको सेंधा नमक लेना होगा। फिर उसमें आपको सरसों का तेल मिला लेना है थोड़ा सा, मैं दिखा देता हूँ। ये आपको थोड़ा सा तेल मिला लेना है। उसके बाद इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इनको अच्छे से मिक्स करके उंगली से ही आपको ये पेस्ट कर लेना है। आपके दांतों की सारी गंदगी बाहर आ जाएगी, दांतों का पीलापन दूर हो जाएगा इससे, और जो दांतों की आपकी जो गंदी स्मेल आ रही है आपके मुंह से वो भी बंद हो जाएगी, दांतों का दर्द चला जाएगा, दांत मजबूत हो जाएंगे, और इससे मसूड़ों की मसाज भी हो जाएगी अगर आप हाथों से करोगे तो आपके दांत और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो दोस्तों रोज़ाना सवेरे यही ट्राई करें, और वो टूथपेस्ट बंद कर दीजिए। सवेरे सवेरे आप जानवरों की हड्डी आप मुंह में रगड़ते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा बेटर है ये हल्दी और नमक और सरसों का तेल। तो दोस्तों ऐसे ही हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।